गुलाम नबी आज़ाद कहते हैं कि ये खाली फौरी है, भारत सरकार ने उनको पैसा दिया, पैसा दे करके कश्मीर को जो है अपनी तरफ किया जा रहा है, तो क्या लगता है कि इस मानसिकता को क्या बताएंगे आप? तो वो गुलाम नबी को ये बोलिए कि आप भी पैसा दे के अपनी तरफ कर लो, फिर इतना ही है। तो सर देखिए, जब ऐसा होता है कि किसी भी बंदे को बाहर से पैसा मिलना होता है और वो पैसा मिलना बंद हो जाए, तो जाहिर सी बात है वो बौखलाएगा। और ये तो बहुत छोटा बयान है, इससे बड़ा बयान तो कांग्रेस के मंत्री ने संसद में ही दे दिया था कि कश्मीर का मुद्दा जो है वो UN के अंडर है। देखिए, सबसे बड़ी बात एक ये है कि किसी व्यक्ति को अगर बदनाम करना चाहो तो खूब चिल्लाओ आराम से मीडिया के सामने कि पैसा देके, क्या कश्मीर की जनता जो है वो पागल है क्या? ये जो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, जैसे कि कांग्रेस के भी कई नेता हो गए और ये कश्मीर के PDP वगैरह ये सब बहुत जो नेता है, इनको सर मेरा तो यही एक युवा का यही ओपिनियन है कि इनको या तो जेल में बंद कर दीजिए या इनको पाकिस्तान ही भेज दीजिए, क्योंकि इंडिया में रहने लायक है नहीं, कश्मीर में बिल्कुल ये रहने लायक है नहीं, कश्मीर की जनता भी सेफ नहीं है और ये देश के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, ये देश के लिए कैंसर है, इनको हटा देना चाहिए, इनको जेल में बंद कर देना चाहिए। शुभ नाम है? दीपक नेलवाल। आपका क्या? अमित पंडित। आपका क्या नाम है? शंकर रेड्डी। सर, जब जो धारा 370 जो जम्मू कश्मीर से रिमूव हुआ है, आज प्रधानमंत्री ने पहला अपना संदेश दिया है राष्ट्र के नाम, अभी जो खत्म हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है लगातार वही ये कानून और व्यवस्था की जो है जायजा ले रहे हैं। इसी क्रम में कल जो है वो सभी लोकल लोगों से मिले थे, वहाँ पे जो है स्थानीय लोगों के साथ उन्होंने जो है दिन का लंच किया है, और आज इसी बात को लेकर, इसी को टारगेट बना करके कांग्रेस के बड़े नेता हैं गुलाम नबी आज़ाद, उन्होंने बोला है कि वहाँ पर जो कश्मीरियों को जो है पैसा दे करके सरकार अपनी तरफ कर रही है, और ये कह रही है कि वहाँ पे सौहार्दपूर्ण माहौल है, तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों? सर देखिए, अगर स्वार्थपूर्ण माहौल के बारे में बात करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि कश्मीर की सारी जनता को वो पैसा दे रहे हैं। बात रही कांग्रेस की, तो उनका इतिहास जो वहाँ पे रहा है जम्मू कश्मीर में वो बहुत ही गलत रहा है, ठीक है। और बाकी बात रही BJP ने जो 370 और 35 से हटाया है, ये इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला है, क्योंकि अगर आप बात करेंगे कश्मीर के डेवलपमेंट की, गवर्नमेंट ने जिस तरीके के आंकड़े पेश किए, अगर वो पूरी तरीके से सही हैं तो हम मानेंगे कि कश्मीर के लोगों के साथ शुरू से गलत होता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे जितना पैसा भारत के दूसरे राज्यों को दिया जाता है, जो पर्सन जो एक पैसा खर्चे के लिए दिया जाता है, तो उसका जो एनुअल कॉस्ट आता है या एक जो कीमत की बात करें वो लगभग 4,500 आता है, बट अगर आप कश्मीर की बात करें तो वो लगभग 92,000 आता है। तो ये जो बहुत बड़ा गैप है कश्मीरी के जो लोगों को दिया जाता है, लेकिन वहाँ की जो करप्ट गवर्नमेंट है, जो महबूबा मुफ्ती इस तरीके के जो परिवारों ने, 2-3 परिवारों ने मिलकर जो इस तरीके कश्मीर को लूटा है, वहाँ के युवाओं को ना ही रोज़गार मिला ढंग से, ना ही वो पैसों का बेनिफिट मिला, तो जो उनकी बेसिक ज़रूरतें थी वो आज भी पूरी नहीं हो पाई। अगर आप गवर्नमेंट के ही आंकड़े देखें तो आप देखेंगे इंडिया के अंदर कश्मीर एक लौता ऐसा राज्य है जहाँ पर गरीबी रेट सबसे नीचे है, केवल 4% लोग जो है वहाँ पे गरीब हैं, लेकिन आप दूसरे राज्यों की बात करें वहाँ पे ये रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस की बात करें तो कश्मीर में सबसे ज़्यादा है, तो फिर वहाँ के लोग इतना संपन्न क्यों नहीं है, पूरा का पूरा क्यों नहीं है? या तो उनके लोगों के पास सारा रोज़गार हो, बढ़िया बिजनेस चले। अभी ये जो सिचुएशन है, ये कंट्रोल करना, जो BSF आर्मी जो वहाँ पे लगाई गई, 25-35 हज़ार लोग जो वहाँ पे फौज भेजी गई है, वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जिस तरीके का माहौल वहाँ पे ये कुछ चंद नेता वहाँ पे बनाते हैं, अपने युवाओं को वहाँ पे भड़काते हैं, अपनी औलादों को विदेश में पढ़ा रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है अपनी औलाद उनकी, कोई दिल्ली में पढ़ेगी, कोई मुंबई पढ़ेगी, कोई लंदन पढ़ेगी, कोई जापान पढ़ेगी, लेकिन कश्मीर में नहीं रहेगी, लेकिन कश्मीर के जो युवा है वो 500 रुपये लेके पत्थर फेंकेगा। तो ये वाली जो उनकी नीति है वो बहुत करप्ट है, इसलिए सेना को लगाया गया, और ये सेना हालांकि बहुत जल्दी वहाँ से वो चांसेस है कि हट जाएगी, और बहुत ही जल्दी वहाँ पर जो माहौल है वो बहुत अच्छा रहेगा, और जाहिर सी बात है जिस तरीके से दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, इसका डेवलपमेंट हुआ है, बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भी होगा। तो आपको क्या लगता है, इतना पैसा जो स्पेशलाइजेशन था जम्मू कश्मीर के लिए, केंद्र से भी बहुत पैसा गया, डेवलपमेंट के लिए गया, ठीक है, कुछ करप्ट जो है जो शासन करते थे, जो नेता कुछ परिवार के जो लोग थे, उन्होंने जो है उसका कोई हिसाब किताब नहीं लिया, क्या लगता है आपको कि क्या भारत सरकार उस पैसे का हिसाब लेगी? सर भारत सरकार हिसाब ऑलरेडी ले चुकी होगी, है ना, जिस तरीके का माहौल अभी वहाँ पे चल रहा है, जाहिर सी बात है उनके पास सब हिसाब किताब होगा, तभी जाके उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया। अगर उनको ये लगता है कि नहीं भाई सब सही चल रहा है या गवर्नमेंट ने सब सही किया, तो वो फिर इतना बड़ा फैसला नहीं लेते। हालांकि उनके पास सब होगा, ये सब इंटरनल मैटर है, सिक्योरिटी मैटर्स हैं, वो किस तरीके से हैंडल करते हैं इतने बड़े पैमाने में, तो एक आम पब्लिक जानती भी नहीं है, बेसिकली वहाँ तक इन्फॉर्मेशन आता भी नहीं है, तो क्या डिसीजन लिए जाते हैं तो सब उन्हीं के ऊपर है। आपको क्या लगता है, जैसे जो बहुत बड़ी इच्छा शक्ति जो है वर्तमान सरकार ने दिखाया, और जो नासूर बना हुआ था धारा 370 और उसको जो है हटाने में कांग्रेस ने जो है 70 साल लगा दिए, जबकि कई बार माहौल ऐसे आया कि वो मेजोरिटी में थी, लेकिन इस समय बड़ी इच्छा शक्ति है, नेतृत्व की जो है इच्छा शक्ति है और वो हटी है,
तो गुलाम नबी आज़ाद का जो बयान है बहुत संवेदनशील बयान है और बड़ा बयान है। उन्होंने जो बोला कि पैसा दे करके जो है वहाँ के लोगों को जो है वो शांति की बात करी जा रही है और कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं धारा 370 की जो वो विरोध में है, तो क्या वो किस ओर इशारा करता है? ये क्या उन्होंने जो है किसी के इशारे पे, जैसे वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता, अभी बौखलाया हुआ जैसे पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, अब पाकिस्तान कभी नहीं चाहता था कि हमारा जो है जम्मू कश्मीर का सॉल्व हो और कुछ इंटरनेशनल शक्तियाँ भी थी जो हमको उलझाए रखे। क्या ये लोग जो फॉरन फंडिंग आता था और जम्मू कश्मीर में जो एक सिचुएशन बनाई जाती थी, तो क्या ये कांग्रेस के लोग जो है आज जो बोल रहे हैं कि पैसे दे, क्या वो किसी के इशारे पर जो पैसा लेते थे और तब जाके उन्होंने इतना लंबा लटका के रखा, जबकि जनभावनाएं और देशवासियों का ये था कि बहुत पहले जो है धारा 370 जो हट जानी चाहिए थे, तो वो जो है चोर की दारी में तिनका, क्या वो पैसा दे करके इस तरह से जो है वो लटकाते थे? क्या कहेंगे, पत्थरबाजी है ये तमाम जो है जो लटकी हुई थी, जो धारा 370 नासूर बनी हुई थी, तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने ये क्यों बोला कि पैसा दे करके भारत सरकार जो है अपनी वो जो है ये कश्मीरी को कर रहे हैं और एक प्रकार से कश्मीरी को लज्जित भी क्या है कि वो पैसा ले करके ये सब काम करते हैं? सर देखिए, जब ऐसा होता है कि किसी भी बंदे को बाहर से पैसा मिलना होता है और वो पैसा मिलना बंद हो जाए तो जाहिर सी बात है वो बौखलाएगा। और ये तो बहुत छोटा बयान है, इससे बड़ा बयान तो कांग्रेस के मंत्री ने संसद में ही दे दिया था कि कश्मीर का मुद्दा जो है वो यूएन के अंडर है, जहाँ पे आपने देखा होगा कि सोनिया गांधी जी अध्यक्ष उनकी खुद देख के सुन के ये चौंक गई कि यार ये मेरे नेता क्या कह रहे हैं। जब चौधरी साहब इतना बड़ा बयान दे सकते हैं कि भैया ये यूनियन के अंदर मैटर है, तो इससे समझ आता है कि उनका जो ग्राउंड रिपोर्ट है या जो उनका बेसिक नॉलेज है वो कितना कमज़ोर है। तो फिर वो जब इतनी बड़ी बात संसद में कह सकते हैं तो पैसे वाली बात तो बहुत छोटी है, तो उसमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं। सर आप बताइएगा, आज प्रधानमंत्री बोले कि हमें उम्मीद है कि जिस तरह से वहाँ पे यूथ और जो कश्मीर के लोग जो है जिस तरह से सहयोग कर रहे हैं भारत सरकार के साथ में, तो हमें अभी हमने जो है उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया है, मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी जम्मू एंड कश्मीर को हम स्वतंत्र जो है एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे और लद्दाख को उन्होंने बोला कि हम रखेंगे, क्योंकि लद्दाख में कई ये अभी विकास होना है, वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जल्दी से जल्दी करें, मुझे उम्मीद है कि हम जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे और वहाँ पर जो है यूथ के लिए रोजगार के साधन होंगे, वहाँ पे जो है रैलियों के माध्यम से उनको जो है रोजगार के लिए जो साधन क्रिएट कराए जाएंगे। तो एक तरफ जो है प्रधानमंत्री इस तरह से आशान्वित हैं, दूसरी तरफ ये जो विपक्षी लोग हैं वो किस तरह से उनकी तरफ किस तरह से देखते हैं आप लोगों को? सर सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी है जिनको देश की जनता चुन के लाई है, उन पर हमें पूरा भरोसा है, वो जो भी कर रहे हैं कश्मीर के लिए कर रहे हैं, जम्मू के लिए कर रहे हैं, लद्दाख के लिए कर रहे हैं, हम सभी जितने भी युवा हैं सब उनके साथ में हैं, इवन जो वहाँ की पब्लिक भी है वो भी प्रधानमंत्री के साथ है। बट ये कुछ लोग हैं जिनको पैसा दिया जाता है 500 रुपये 400 रुपये, जिनके पास में रोज़गार नहीं है, जब वहाँ पर रोज़गार आ जाएगा तो इस तरह की समस्याओं का निपटारा अपने आप हो जाएगा। ये जो भी समस्या हो रही, जो भी प्रॉब्लम हो रही, वहाँ पर रोज़गार नहीं है, और वो रोज़गार क्यों नहीं है वो सब लोग जानते हैं, क्योंकि वहाँ पर इस तरीके का माहौल ही नहीं है। तो जब ये माहौल हट जाएगा, सब वहाँ से धाराएं हट जाएगी, जब वहाँ पर बिजनेस होंगे, सब कुछ स्टार्ट होगा, रोज़गार मिलेंगे, तो युवा इस काम में जाएगा ही नहीं। आज युवा को मजबूरन ना चाहते हुए ये काम में जाना पड़ रहा है, युवा भी नहीं चाहता। कौन माँ बेटे अपने या पिताजी अपने बेटे को भेजेंगे कि जाओ पत्थर भेजने जाओ या 500 रुपये कमा के लाओ, उनके पास खाने को पैसे नहीं है, तो उनको 500 रुपये भी ज़रूरी होते हैं, तो इसलिए वो लोग लेके आते हैं। बस यही कहना चाहूँगा मैं। क्या लगता था आपको, जो भारत वो अलग कानून था, वो देश का जो है जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते थे, सेना की वर्दी को जो है अपमानित करते थे, सेना के लोगों को लात मारते, जो कि कानून का उल्लंघन था, लेकिन हम लोग कानून ऐसा था कि उसको जो है एक्शन नहीं लिया जा सकता, जैसे पूरे देश में आज इक्वल हुआ। और अगर धारा 370 और 35A को ख़त्म करने की बात हो रही थी तो वहाँ पर जो अलगाववादी नेता और इवन जिन्होंने वहाँ पर शासन किया, जैसे महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला, ये तमाम नेता कह रहे थे कि यहाँ पे बारूद में आग लगने वाली है, ये सिचुएशन उन्होंने क्रिएट किया है, इसलिए मजबूरन जो है भारत सरकार को वहाँ पर उन लोगों को नज़रबंद करना पड़ा अभी तक। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल वहाँ लगातार जो है कानून और व्यवस्था की का जायजा ले रहे हैं, वो उन लोगों के साथ बिना सिक्योरिटी के इतने बड़े पद पे होने के बाद भी, जब उनके बहुत बड़े टाइट सिक्योरिटी में रहते हैं, लेकिन वो बिना सिक्योरिटी का आपने देखा होगा कि पूरे जो है वहाँ पे स्थानीय लोगों से मिल रहे थे और उनके साथ भोजन कर रहे थे, दिन का खाना खा रहे थे। तो इस देख करके गुलाम नबी आज़ाद कहते हैं कि ये खाली फौरी है, भारत सरकार ने उनको पैसा दिया, पैसा दे करके कश्मीर को जो है अपनी तरफ किया जा रहा, तो क्या लगता है कि इस मानसिकता को क्या बताएंगे आप? तो वो गुलाम नबी को ये बोलिए कि आप भी पैसा देके अपनी तरफ कर लो, फिर इतना ही है। तो जब पैसा देके यदि आर्मी बिकने लग गई तो फिर देश में कुछ रह ही नहीं जाएगा, यदि वो भी सेना को खरीद सकते हैं तो वो भी खरीद लें, उनको किसी ने मना करा है? सर ये सब फालतू की बातें हैं,
ये सिर्फ जो भी है एक पब्लिसिटी स्टंट है। कांग्रेस की सरकार में आज की तारीख में कोई दम रहा नहीं है, ना हमें पहले भरोसा था ना हमें आज भरोसा है। आज का युवा सिर्फ बीजेपी के साथ है और वो बीजेपी के साथ देगा और पूरी तरीके से हम लोग भी बीजेपी के साथ। लगता नहीं, देखिए उनके सामने कितने शहादतें दी हैं, कितने यूथ जो है हमारे जो है जो आर्मी में है ऑफिसर्स हैं, नए नए यूथ जो है वहाँ पर जो है कैजुअल्टी हो जाती थी और ये पत्थरबाजी जो लगातार होती थी, देशद्रोही नारे लगते थे और फौजियों को अपमानित किया जाता था जो वहाँ पर जो है रक्षा के लिए जा रही है। तो क्या गुलाम नबी आज़ाद और कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े कद्दावर नेता जिन्होंने शासन किया है साथ, क्या वो नहीं देखते थे कि हमारे फौज के लोगों पर पत्थरबाजियाँ होती हैं? तो उनको ये नहीं लगता हम कहाँ बोल रहे हैं और किस तरह के, क्या वो पत्थरबाजी अगर वो सपोर्ट करते हैं क्या वो पत्थरबाजियों पत्थर वालों को जो है उनको पैसा देते हैं? उनको उनकी सीट से मतलब है, उनको उनकी सीट चाहिए, उनको पैसे से मतलब है, उनको देश की इतनी ज़रूरत है, इतनी देश की चिंता है, तो खुद खुद के बच्चों को वहाँ खड़ा करे, खुद के बच्चों को आर्मी में भेजे या फिर खुद को जो करना है वो करे ना वहाँ पर जाकर। उन्हें सिर्फ अपनी सीट से मतलब है सर, और कोई मतलब नहीं, सीधी सी बात बस यही है और यही मैं कहना चाहूँगा। तो क्या लगता है आपको भारत सरकार मोदी सरकार अब जो है गृह मंत्री जो है वहाँ पे कानून और व्यवस्था की उचित व्यवस्था करके और जल्दी से जल्दी जो है सिचुएशन ठीक ठाक? बिल्कुल सर बिल्कुल, बहुत जल्दी सब कुछ। जब देश में इतने पुराने समय से ये जो कानून चला आ रहा था आज जाकर उन लोगों ने इसे हटाया है, तो आगे भी उन्होंने देश के लिए कुछ ना कुछ सोच के अच्छा ही रखा होगा। तो बिल्कुल होगा और बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर के और लद्दाख के हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। आप भी जाएंगे और टूर के लिए जाएंगे वहाँ पर, अब ओपन हो गया, घर खरीद सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, क्या लगता है आपको आप किस तरह से जो है वहाँ पर? सर ये बहुत अच्छा स्टेप है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये डिसीजन सारे सुधर जाएंगे और बहुत जल्दी हालात वहाँ के बहुत नॉर्मल होंगे, वहाँ के लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और बहुत जल्द वहाँ के लोगों को नया एक आयाम एक नया ऊँचाई छूने का मौका मिलेगा। थैंक यू। प्रधानमंत्री ने आज जिसके नाम जो है संदेश दिया है, अभी उनका कहना है कि वहाँ पे जल्दी से जल्दी जो हम सॉल्व कर देंगे और जम्मू कश्मीर जो हमने केंद्र शासित प्रदेश बनाया है उसको जल्दी से जल्दी हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार लगातार जो है वहाँ पे जम्मू कश्मीर में कानून और व्यवस्था की जायजा ले रहे हैं। इसी क्रम में कल जो वो स्थानीय लोगों से मिल रहे बिना सुरक्षा के और लोगों से जो है स्थानीय लोगों के साथ मिल बैठ करके खाना खा रहे थे, तो वहाँ पे माहौल सौहार्दपूर्ण है। इसी क्रम में आज कांग्रेस पार्टी के जो एक कद्दावर नेता हैं गुलाम नबी आज़ाद, उनका कहना था कि ये सब जो माहौल दिखाया जा रहा है वो वहाँ पर जो है कश्मीर को पैसा दे करके ये माहौल क्रिएट किया जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे गुलाम नबी आज़ाद को? देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं अगर कुछ अच्छा किया जाता है तो वो अपना नाम चर्चा में आने के लिए या कुछ मीडिया पे छाने के लिए वो कुछ उल्टा ही बोलते हैं, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात एक ये है कि हमारा भारतवर्ष कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक एक है और एक है और एक रहेगा। मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी ने कश्मीर के लिए जो एक सपना देखा है, जैसे यूपी उत्तर प्रदेश राज्य है, दिल्ली राज्य है, ऐसे ही वो जो है कश्मीर राज्य में भी वहाँ की जनता जो है उसको इसी तरीके से देखना चाहते हैं और मोदी जी जो हैं वो उनके सपने को जो है वो साकार करेंगे और वहाँ जो आर्मी पड़ी है वो पब्लिक के टच में है, पब्लिक को पूर्णतया जो है वो सहूलियत दे रही है। अगर किसी को कोई इमरजेंसी लग जाती है, कोई बीमार पड़ जाता है तो आर्मी उसका पूरा फुल सपोर्ट करती है। जो धारा 370 70 सालों से जो है नासूर बनी हुई थी, हमारा जो है अभिन्न अंग है जम्मू कश्मीर और ये सिर है हमारा जो है मुकुट है हिंदुस्तान का, तो उसको जन आकांक्षाएँ भी थी कि जल्दी से जल्दी वो धारा जो है जो अलग कर रही है देश से अलग करे वो समाप्त हो जाए और उसमें जो है जो कानून भारत का है वो सब जगह एक लागू हो जाए। तो वहाँ पर जो है इसी क्रम में जो अलगाववादी लोग थे वो अनाप शनाप ये गतिविधियाँ करते थे, वहाँ पे पत्थरबाजी करते थे, क्या उस समय गुलाम नबी आज़ाद को ये नहीं लगा कि जो पत्थरबाजियाँ हो रहे हैं क्या उसको इशारा नहीं करता कि क्या जो पत्थरबाजियाँ होती थी क्या लोग ये लोग जो है जो समर्थन कर रहे हैं धारा 370 का, तो क्या लगता है आपको कि ये लोग जो है उस धारा 170 को यथावत बनाए रखने के लिए जो पत्थरबाजी करते थे उनको पैसा कौन देता था? देखिए सबसे बड़ी बात ये कि ये है कि कश्मीर में जो आतंकवाद है उसके पीछे जो है वो पाकिस्तान है और जो कश्मीर के कुछ नेता हैं अलगाववादी और कहना चाहिए अब्दुल्ला वगैरह और ये मुफ्ती वगैरह, तो इनकी रोटी सिकना इनकी जो है वो रोटी सिकना बंद हो जाएंगी। ये मोमडन्स को जो है मजहब और धर्म और इस्लाम के नाम पे जो उनको बरगलाते हैं और जब मोदी जी ने ये 370-35A को ये ख़त्म कर दिया तो इनका ये सब कुछ बंद हो जाएगा। इसलिए ये जो है इनकी जो बेईमानी की नीयत है ये सब खत्म हो जाएगी। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक भारत एक है, भारत एक रहेगा।
आज प्रधानमंत्री भी यही बोले हैं कि हम जल्दी से जल्द वहाँ पे युवाओं को नौकरी देंगे, वहाँ पे जो है रैलियाँ करके जो है जैसे सेना में भर्ती होना, पुलिस में भर्ती होना, जो जो लाभ जो है कर्मचारियों को जो है दिल्ली में मिलता है वो वहाँ पर दिलवाएंगे। तो इस तरह से माहौल को ठीक करने की बात हो रही है। दूसरी तरफ जो है हमारे जो अपोजिशन के नेता हैं वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, तो पैसा दे करके कश्मीरियों को भी बदनाम कर दे कि पैसा दे करके वो लोग जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ में जो सौहार्दपूर्ण जो है बैठ करके बात कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं, तो वो पैसा दिया जा रहा है वहाँ पर भारत सरकार के, ये इशारा था उनका। देखिए सबसे बड़ी बात एक ये है कि किसी व्यक्ति को अगर बदनाम करना चाहो तो खूब चिल्लाओ आराम से मीडिया के सामने कि पैसा देके, क्या कश्मीर की जनता जो है वो पागल है क्या? आप बता दीजिए कि धारा 370 लगे कम से कम कितने घंटे हो गए, अभी कश्मीर में कौन सा ऐसा कांड हो गया या पब्लिक ने कौन सा ऐसा विरोध कर दिया? 144 धारा 144 लगे, काफ़ी समय हो गया, कई घंटे गुजर गए, बताइए कौन सा वहाँ कांड हो गया, कौन सी पब्लिक वहाँ विद्रोह कर रही है? और ये जो कांग्रेस की जो जड़ है ना, इसकी कांग्रेस की जड़ जो है ये ख़त्म हो रही है, तो इन्हें तो विरोध करना करना है। अगर वहाँ पर अजीत डोभाल जो हमारे NSA प्रमुख हैं, अगर वो जनता के बीच में सामंजस्य बनाए हैं, उनके बीच में उनको उनके टच में हैं, उनकी भावनाओं के साथ में बैठ के उनसे बातचीत कर रहे हैं, हाँ बिना सुरक्षा के उन्हें सारी सहूलियत जो है मुहैया करा रहे हैं, तो अब जो ये कांग्रेसी नेता हैं और जो ये मजहब के नाम पर खेलते हैं, इन्हें तो भैया विरोध करना है और ये विरोध करेंगे। आपको लगता नहीं है जो सिचुएशन आज बनी हुई है, क्योंकि जब बात चल रही थी कि इस पर कुछ एक्शन हो सकता है, तो अलगाववादी नेताओं के साथ साथ जो है मुफ्ती महबूबा मुफ्ती और अमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला, ये तमाम नेता जो है बहुत बड़ा कह रहे थे कि बारूद में आग लगने वाली बात है, इन्होंने ऐसे ह्यूमर बनाया कि जन जो असाधारण लोग जो है सब डर गए थे, तो इन्हीं कारणों से उनको आज नज़रबंद करना पड़ा। वैसे तो वहाँ पर जन सामान्य जो आप देख रहे होंगे, सबसे बड़ी बात यह है आप जो कहना चाह रहे वो हम समझ रहे हैं, जो राष्ट्रहित से खिलवाड़ करेगा और जो जो व्यक्ति राष्ट्रहित से खिलवाड़ करेगा, हमारी तो समझ ही है कि माननीय मोदी जी को उसके खिलाफ़ NSA के खिलाफ़ राष्ट्रीय अधिनियम सुरक्षा के खिलाफ उसके खिलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए, उसके खिलाफ़ FIR करानी चाहिए, चाहे वो किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो या कितना भी बड़ा कद हो, कितना भी बड़ा नेता हो, उसके खिलाफ़ तुरंत राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के खिलाफ़ FIR दर्ज करा के उसे तत्काल जेल में डालना चाहिए। ऐसे लोग जो हैं वो पब्लिक को बरगला के कानून व्यवस्था में बाधक होते हैं। बहुत अच्छा, आपका क्या कहना है? सर मेरा यही कहना है कि ये लोग जो है अलगाववादी नेता लोग जो है, ये लोग कश्मीर के जनता को सिर्फ और सिर्फ मन वो ख़राब करके ये लोग देश के खिलाफ बनाना चाहते हैं, पर ये मुमकिन है कश्मीर की जनता भी अब समझदार हो रही है धीरे धीरे, और देश के लिए जो कश्मीर जितने प्यारे हमारे भाई है कश्मीरी, उनको सारी समझ है और जानते हैं कि देश हित के लिए कौन काम करता है, और ये लोग अलगाववादी जो जितने भी नेता है सारे सिर्फ वोट बैंक के लिए काम करते हैं, लेकिन अब सब समझ रहे हैं, पूरी जनता समझ रही है। सर आपको पता है गुलाम नबी आज़ाद जो है जो बहुत बड़ी पार्टी है अपोजिशन में, जिन्होंने कई साल से राज किया है, और उनकी देन है, उनकी प्रधानमंत्री जो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के ज़माने से जो है उनके माध्यम से जो है वो लगी हुई है धारा, तो कब से जो है जो देशवासी चाहते थे इसको धारा को जो हटा दिया जाए। तो गुलाम नबी आज़ाद बहुत बड़ी नेता हैं और जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, वो आज ऐसी बात बोलते हैं कि पैसा दे करके जो है कश्मीर के लोगों को जो है चुप कराया जा रहा है, तो क्या वो नहीं चाहते थे कि धारा 370 जो है ख़त्म हो जाए? सर अगर चाहते कि 370 ख़त्म हो जाए तो कश्मीर की कुछ जनता है जो उनको वोट देते हैं, वो वोट बैंक उनकी ख़त्म हो जाएगी, बस वो वोट बैंक वहाँ के पाने के लिए जो अलगाववादी नेता ये सब वोट बैंक पाने के कश्मीर की जनता को ऐसा कर रहे हैं और 370 को सपोर्ट करें, वरना 370 सर कब की ख़त्म हो जानी चाहिए थी, वो तो ऐसे ही टलते टलते अभी तक आगे, लेकिन मोदी जी को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, उनकी वजह से ये धारा 370 ख़त्म हो गया और अपने वादे पे वो कायम है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको लगता है ये पाकिस्तान की जो भाषा बोलते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का जो है कितना भी कद्दावर नेता हो, जो देश के हित में बात है, देशद्रोह की बात करता है और पाकिस्तान की भाषा बोलता है, तो उसके लिए क्या एक्शन होना चाहिए भारत सर? ये जो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, जैसे कि कांग्रेस के भी कई नेता हो गए और ये कश्मीर के PDP वगैरह ये सब बहुत जो नेता है, इनको सर मेरा तो यही एक युवा का यही ओपिनियन है कि इनको या तो जेल में बंद कर दीजिए या इनको पाकिस्तान ही भेज दीजिए, क्योंकि इंडिया में रहने लायक है नहीं, कश्मीर में बिल्कुल ये रहने लायक है नहीं, कश्मीर की जनता भी सेफ नहीं है और ये देश के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, ये देश के लिए कैंसर है, इनको हटा देना चाहिए, इनको जेल में बंद कर देना चाहिए। जैसे ये कुछ अलगाववादी नेताओं पर पाबंदी लगी है, वो जेल में बंद है अभी, तो नज़र बंद है कुछ, हाँ जी, और तो ये इन्हीं के तरह इनको बंद कर देना चाहिए जेल में, ये रहने लायक है नहीं देश में।
बस यही बोलना। अभी आप यूथ हैं, अभी कानून एक हो गया है, पहले वहाँ पे सर्विस नहीं कर सकते हैं, बिजनेस नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे घर नहीं बना सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, तो आपको क्या लगता है कि आप यूथ हैं तो आगे क्या भावी जो है क्या योजना है यहाँ पे, आप कश्मीर जाएंगे वहाँ पे बिजनेस करेंगे या सर्विस करेंगे, किस तरह का माहौल होना चाहिए? सर कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए बढ़िया है ये, और ये जो लगा है धारा 370 हटा है ये कश्मीर की जनता के लिए, कश्मीर के प्रोग्रेस के लिए बहुत बढ़िया है ये, और वहाँ की जनता भी खुश रहेगी। मैंने देखा न्यूज़ चैनल्स में देखा मैंने कि वहाँ की जनता कहाँ से रहने, मैं यूपी बलिया से रहने वाला हूँ, और यहाँ से अभी कुछ यूथ मिले थे वो कह रहे थे कि हम डल झील में जो है छठ पूजा करेंगे, तो क्या लगता है आपको आने वाले समय में क्या? सर हम छठ पूजा मनाते हैं और आशा करते हैं भगवान की दया से हम वहाँ छठ पूजा के माता की दया से वहाँ जाएंगे तो ज़रूर मनाएंगे छठ पूजा वहाँ पर, और वहाँ पर इन्जॉय करेंगे, वहाँ पर कश्मीरी भाइयों के साथ रहेंगे, हम सारे हम भाई भाई हैं।